आपके तरक्की के आगे बढ़ने के मौके भी कम जाते हैं, क्योंकि आप खुद इंसारी की बजाय आप किसी पर इंसार करने लगते हैं। पहली बात तो एम की मैं समझती है कि इस वक्त मुल्क जिस माशी बहरान में गुज़िश्ता 6 महीने में जो के टेकर हुकूमत थी उसमें कुछ बहरा पॉलिसीज ऐसी थी कि आर्जी तौर पर थोड़ा सा हमारी बिजनेस कम्युनिटी को सहारा मिला, सपोर्ट मिला, लेकिन जाहिर है कि ये ऑक्सीजन टैंक है। मुझे लगता है आपका ये भी फियर है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अल्लाह ना करे सियासी हमें कोई बहुत बड़ा दावा करेगी तो उसके पास भी कोई मैजिक वॉन्ड या जादू की छड़ी तो नहीं है, अलादीन का चिराग भी नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि गैस बिजली और पानी का कोई कोई फिक्स है, मसाइल का कोई फौरी हल। हाँ, इसकी एक मनसूबाबंदी है और शॉर्ट टर्म में इसको शुरू करके मीडियम टर्म में ले जाके फिर लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है, ये चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये सारी चीजें हो सकती है। देखिए इसमें साकिब भाई ने जो अपना सबसे पहला जो फियर, देखिए ये इरा पॉलिटिकल इकोनॉमी का है जहां इकोनॉमी पॉलिटिक्स को डिक्लेयर करती है, तो सबसे पहला कमिटमेंट आपको सारी बड़ी जमातों से, अगर वो 2 हैं तो 2 से, और अगर वो 3 हैं क्योंकि 2 की बारियां पहले लगती थी फिर उसके बाद एक तीसरी आ गई, और लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में और जब जब भी इलेक्शन होंगे कम से कम इन 3 बड़ी पार्टियों की बारियां लगती रहेगी। मतलब मेरा प्रयास है और मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो 3 बड़ी पार्टियां होंगी, उन 3 बड़ी पार्टियों से फेडरेशन के नुमाइंदा है ताजिरों के, सनअतकारों, सरमायादारों के, तो आपको उन 3ों से जो मुल्क की माशी पॉलिसी है, इक्तिसादी पॉलिसी है, उस पर ज्यादा बड़ा कमिटमेंट लेना है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर उनको बुलाकर आपने जो कमिटमेंट लिया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कराची के 3-4.5 करोड़ आवाम की तरफ से, और इंशाल्लाह जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उसके जो इंशाल्लाह नतीजे आएंगे, क्योंकि एमपीएम ने 1 साल में डॉक्टर खालिद मुहम्मद सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल भाई और डॉक्टर फारूक सरकार, जब तीनों ने ये तय किया तो हमने 1 साल में एक मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमपीएम को कायम कर दिया है और एमपीएम को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, और हमारा जो पहली डिलीवरी थी कराची में जिसमें जाहिर है कि आप मैंने जो कुछ गिनाया ये ट्रेड डेफिसिट 27 अरब डॉलर का है, आपने कहा जुबैर कुफैल भाई ने कहा कि अब भी 65% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट महासेल टैक्स और रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है, आपने भी कमर 50% का उसमें जिक्र किया कि 50% कराची से आता है, तो मैं आपको ये यकीन दिलाना हूँ कि एमपीएम पाकिस्तान से ज्यादा प्रो इकोनॉमी, प्रो इंडस्ट्री, प्रो इन्वेस्टमेंट, प्रो ट्रेड और फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं जा सकते। मैं आपको यकीन दिला दूं जहां हमें अपनी कुछ तिजारत के और सनअत के शोबों को फ्री मार्केट इकोनॉमी, हम लिबरलाइजेशन इकोनॉमी को एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ ले जाएंगे, गैर हमें अपने कुछ सेक्टर्स को प्रोटेक्ट भी करना होगा, तो हम मदर मिलर फ्री और लिबरल इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम बतदरीज उस तरफ पेश रफ जरूर कर सकते हैं, ये मुझे यकीन है। तो मैं आपको कराची के 3.5-4 करोड़ आवाम और उसमें इंशाल्लाह जो कौमी असेंबली में इस मरतबा अल्लाह ताला में कामयाबी देगा, और उसकी बड़ी कराची के बड़े जलसों में से एक बड़ा जलसा था खालिद मुकुल सिद्दीकी भाई के बयानत में जो 21 जनवरी को बागी जनाब 1 साल पहले हम यज्जा हुए, मुतहिद हुए, मुनज़्ज़म हुए, मुतहर्रिक हुए, और 1 साल में हमने एक बहुत बड़ा सियासी इंतहाबी जलसा करके बता दिया बागी जनाब। अच्छा, फिर मरकूम शिमाली में 75 लाख की आबादी हमने बाजियाब कराई, और कराची अब तक सिर्फ देता था, उसे मिलता कुछ नहीं था,
तो पहली मरतबा हमने अपने एफर्ट से निगरानी करके चौकीदारी करके लापता आबादी को जो बाजियाब कराया साकिब भाई, तो उसके नतीजे में एक कौमी असेंबली की नशिस्त का कराची में इजाफा हुआ है और तीन सूबाई असेंबली की नशिस्तों का कराची में इजाफा हुआ है। ये पूरे सिंध के फ्रेमवर्क में ये रद्दबदल हुआ है। ये हमारा हमारी डिलीवरी और परफॉर्मेंस है जो एक साल में थी। दूसरा मैं ये लंबी बात नहीं करूंगा, फिर खालिद मकबूल भाई ने एक अवामी गवर्नर आपको तो उस गवर्नर ने भी जिस तरह कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर और इंडस्ट्री और जितने जिंदगी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले को अपने साथ जोड़कर और वहां पर भी कुछ फैसिलिटेट करके आपको आवाम के लिए भी गवर्नर हाउस का दरवाजा खोला। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सूबाई असेंबली में इन इंतखाबात में कुछ बैलेंस आ जाता है क्या होती है, वो भी किसी के चुंगल से हम वापस लेंगे तो नवाब शाह सक्कर मीरपुर खास से भी जो है वो आप सब लोगों के लिए खुला हुआ होगा और वो भी आपके साथ खड़ा होगा। ये हमारे वो मंसूबे प्लान हैं जो आपकी इकोनॉमी इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस और कंस्ट्रक्शन और सारी इंडस्ट्री को इंशाल्लाह ताला हम बैक करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे। हम इन सारे मामलों में आपके साथ हैं। अच्छा, अब जो फियर का आपने कहा तो देखिए इसमें मेरे पास खालिद भाई के पास एक ऐसा मंसूबा है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सियासी पोलराइजेशन या एथनिक पोलराइजेशन की वजह से जो माजी के 30 सालों में रहा, अगर उसमें कहीं भी कोई इंडिकेशन आ रहा है और उसको ट्रिगर कौन करता है, बिजली की कमी, गैस की कमी, गैस नहीं आती बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती बिल आते हैं, पानी नहीं आता बिल आते हैं और टैंकर आते हैं, ये हमारी लाइफ। तो अभी सिचुएशन में हमारे पास एक ऐसा प्लान मौजूद है कि कहां कहां प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इससे पहले कि ये लॉ एंड ऑर्डर का बिकॉज ऑफ एथनिसिटी, बिकॉज ऑफ क्राइम्स, बिकॉज ऑफ इंटॉलरेंस, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन अगर हमारे हाथ से बाहर जाता है तो कम्युनिटीज को कैसे गियर अप करना है। मुख्तलिफ जमाने बोलने वाले मुख्तलिफ कराची के इलाके वहां पर उन कम्युनिटीज को कैसे एक दूसरे के साथ बिठाकर एंगेज करना है, कैसे सियासी जमातों को निचली सतह तक बिठाना है और उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ और अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस के साथ साथ रेंजर के प्रिवेंशन के लेकर, ये नहीं कि मामला हाथ से निकल जाए। तो हमें मालूम है कि कहां कहां तैनाती होगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक चीफ चौक है कराची में लियाली का और एक लियाली का इलाका, अगर वहां आपने बफर बना दिया तो इंशाल्लाह एमपीएम पीपल्स पार्टी का किसी भी किस्म का आपस का इख्तलाफ और कोई भी उसमें तीसरा फरीक इश्तियार अंग्रेजी करेगा किसी हाल में हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और ये मैं गारंटी देता हूं कि जो हमारा प्लान है इसको अगर यहाँ के जो रियासत इदारे हैं उन्होंने नाफिज करने वाले हैं वो हमारे साथ बैठकर इसको आजमाएंगे। अगर मैं इसको सुनता हूँ कोई फियर है तो मैं आपको उसकी प्रिवेंशन का उसका तोड़ आपको दे सकता हूँ और खालिद भाई की तरफ से गारंटी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी सफों में अब ऐसे अनासिर शायद गिने चुने हो जिनसे इस शहर के अमन अमां को खतरा है। लेकिन मेरा ये सफर मेरी ये बर्दाश्त कल रात को हमारे एक साथी को फराज को शहीद किया गया जो बफर जोन से था और खालिस्तान उस इलाके में जो रिवायती तौर पर भी तारीखी तौर पर भी एमक्यूपी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। कैसे हुआ क्या हुआ मैं इसमें कोई एंगल नहीं लाना चाहता, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है क्योंकि अगर इस एक कतल के मामले को हल कर लेंगे हम और आप मिलकर कम्युनिटी और रियासत की राय, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो पैनिक सिचुएशन है इंशाल्लाह ताला हम शहर को
किसी घबराहट और किसी पैनिक का शिकार नहीं हो जाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, हम आपके साथ करेंगे, हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो फियर की बात मैंने, ये हमारे पास है प्लान, कहाँ कहाँ हमें मुतय्यन तय्यन करना है, कहाँ लोगों को खड़ा करना है, जिससे कि ये सारी चीजें यानी हाथ से निकलने से पहले रोक दी जाएंगी। ये हो गया। फिर मेयर के साथ कोई भी किसी बात उसके साथ हम कम्युनिटीज की इंगेजमेंट का एक सिस्टम उसको फॉर्मलाइज करें, वो भी हम कर सकते हैं। ये इतने बड़े शहर में कम्युनिटीज को इंगेज के बगैर, पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज के बगैर उसका भी फोरम और वो हम देने के लिए तैयार। आखिरी बात, इसके बाद बिजनेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ बिजनेस कम्युनिटी टू डू बिजनेस। ये बिजनेस कम्युनिटी का काम है, हुकूमत का काम है। अगर बड़ी पार्टियां हमारी तरह ये समझ जाए कि हमारा काम ही नहीं है कि हम बिजनेस करें, और इसी तरह किसी भी रियासती इदारे को भी सोचना चाहिए कि क्या बिजनेस करना किसी इदारे का तो ये पॉलिसी का बेसिक। अगर एक अच्छी पॉलिसी दें, मैं हाँ खालिद भाई मैं आपके साथ है कि जो पॉलिसी चाहे पूरी इकोनॉमी की ले लें, चाहे ट्रेड की ले लें, चाहे इन्वेस्टमेंट की ले लें, चाहे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की ले लें, चाहे किक स्टार्ट बिजनेस की ले लें, चाहे आईटी की ले लें, चाहे नॉन एजुकेशन बेस्ड इकोनॉमी की ले लें, तो उसमें किस तरह हमारे एकेडमियों को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना है। पूरी दुनिया में जो वर्क फोर्स है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारा जो ह्यूमन कैपिटल के चौथा या पांचवा बदतरीन शहर है, ना काबिले रिहाइश शहर है, लेकिन एक वक्त था जब मुस्तफा कमाल भाई मेयर थे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में कहा था कराची इज द 12th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। तो अगर जरा में हो तो ये मल्टी बड़ी खेज है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कराची को फिर अपने पैरों पर खड़ा करके ये पूरे पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये मुल्क को 22वीं नहीं 23वीं सदी में ले जाएगा। हम कंसिस्टेंसी की पॉलिसी के साथ है और कंसल्टेशन में आपके साथ है कि कोई भी पॉलिसी बनेगी। चार्टर इकोनॉमी की सबने बात की, 2010 में सबसे पहले एमकेएम ने बात की, सबसे पहले हमने बात की, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो आए थे फिर उन्होंने बात की थी। तो हम भी इसके हामी हैं, लेकिन ये सोशियो इकोनॉमिक चार्टर होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो सस्टेन करें। कोई भी डेवलपमेंट जो वक्ती और आर्जी में डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, और दूसरी इंक्लूसिव हो, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इंक्लूसिव नहीं होगी, मुल्क के तमाम तबकार का अहाता नहीं करेंगे, उनको शामिल करके मुल्क को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी शायद आइसोलेशन में होगी। वो लोगों को उनका रोल देना होता तामील तरक्की के अमल में और माशी तरक्की में। तो मेरे ख्याल में हम आपके कंसल्टेशन के पूरी तरह से साथ, आपकी चार्टर इकोनॉमी को लेकर, लेकिन एक बात अगर आप थोड़ा सा बुरा ना कहें तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शायद इंडस्ट्री में भी और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी जो कार्टेलाइजेशन का कोविड है उसको भी थोड़ा सा हमें एड्रेस करना होगा। फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमें देखना है कि अगर गैस हमने बवर्ची खानी में चूल्हों में फूंक दी जो हमारी, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा गैस का ढाल दिया, हमें इस पर नजर सानी करनी होगी। सिर्फ गैस की बिल आ रही, गैस नहीं आ रही, अब किसको गैस देंगे। हाँ, अगर इतनी कामयाबी के बाद भी पंजाब में गैस आ रही है, मई में गैस आ रही है, मालूम जब्बा में गैस आ रही है, चले वहां तो केपीके में कुछ निकली है, लेकिन अगर कराची में गैस नहीं आ रही तो ये मेरा आपका सवाल बनता है कि फिर इसमें भी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए थी। सबको अपने पेट पर थोड़ा थोड़ा पत्थर मारना होगा, ये नहीं है कि सारी कुर्बानियां। तो भाई
यतीमों में दो बड़े यतीम पाकिस्तान में है ना, तो वो कराची की बिजनेस कम्युनिटी और FBCCI और दूसरी MQM और कराची के मजलूम आवाम, जिसमें उर्दू बोलने वाला, सिंधी, सलाइकी, पंजाबी, बलोची, हजारीबाग, कश्मीरी, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। आप और हम एक, हमारे मसाइल और हमारी मुश्किल एक जैसी है, अलग नहीं है। तो ये यकीन रखिए कि आपको हमारे मसाइल को भी समझना होगा और हमें आपके मसाइल को समझ के आपके साथ हमें खड़ा होना है। जहां अब देखिए बिजली का आप कहते हैं प्लांट है, बहुत आसान है। पहला काम तो ये करें ना कि डायरेक्ट टैक्स की बेस बढ़ाएं, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करें। जितना भत्ता है, तेल पे भी सेल्स टैक्स लगता है, जो मतलब तेल आता है, बिजली घरों में यूज होता है, जो बिजली बनती है तो फिर बिजली के पर यूनिट पे भी वो लगता है। तो ये 17% का जो सेल्स टैक्स है, इसे सिंगल डिजिट में आना चाहिए, यूटिलिटी से इसको खत्म होना चाहिए। फिर जो सेल्स टैक्स और यूटिलिटी जो कि हमने सूबाई हुकूमत से इनको दिलाया, पंजाब ने नहीं लिया, KPK ने, बलूचिस्तान ने नहीं लिया, हमने दिलाया 150 अरब रुपए का ये टैक्स, जो आप मोबाइल, गैस, बिजली, तेल, ये अलग है जो सेल्स टैक्स और यूटिलिटी है। जो जनरल सेल्स टैक्स आप दे रहे हैं वफाक को, वो अलग दे रहे हैं। तो ये सारी बातें, तेल की, पेट्रोलियम मिलेगी, फिर एक्साइज ड्यूटीज, ये सारी चीजें, फिर जो है वो रेडियो की फीस, टेलीविजन की फीस, ये सब चीजें जो आ रही हैं। फिर 1970 में जो फ्लड बांग्लादेश में आया था, उसकी भी बात क्या आज भी मेरे आपके टैक्सों में चली जा रही, उसका है भी आज आपको पाकिस्तान के बजट में मिल जाएगा। तो ये सब वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमें रैशनली, रियलिस्टिकली और एक फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड निकालना, तो उसके लिए इन सब चीजों पर हमें बात। तो सेल्स टैक्स खत्म करें, डायरेक्ट टैक्स कैसे इंप्रूव होगा, मैं कहता हूं कि अगर बड़े लोग जागीरदार हो, छोटे जमींदार हो, किसानों की बात हम नहीं करें। आप जहां खरबों रुपए में 20% इकोनॉमी का टैक्स भी नहीं है, इसलिए Item No. 7 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। ये इस्तेसना क्यों, जो आईन ही मुनसिफाना ना हो, जो आईन ही मसावी सुलूक ना करे इकोनॉमी के एक तबके और इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर के साथ, तो फिर उस आईन में जो ये जो अनइवननेस है, दूर करना होगा। तो इसके लिए आप और मैं साथ, अगर डायरेक्ट टैक्स 200-300 अरब का रूरल पाकिस्तान से जनरेट होकर आ जाए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजर हैं, अगर वो कहीं अपनी इनकम को सही नहीं दिखाते, तो मैं आपको तय कर सकते हैं कि यार ये सेल्स टैक्स के भत्ते से बचो, जिसका सारा वजन और लोड आम लोगों पे जाता है। अब आप बिल्डर पर टैक्स अभी आया है, वो कौन सा 7, वो कौन सा है 7E, पंजाब में कोर्ट में स्टे दे दिया, बाकी जगह दे दिया और कराची में नहीं है। तो भाई हुकूमत को खुद कहना चाहिए कि अगर वहां एग्जेम्प्टेड है तो फिलहाल आप भी एग्जेम्प्टेड, वहां जो कोर्ट फैसला करेगी उस कोर्ट को हम मान लेंगे। तो ये अप्रोच की बात है ना, विजन की बात है कि भाई होगा क्या, अगर मकान घर महंगे होंगे तो जिन्होंने बुक करना है उनसे पैसे ले जाएंगे। और फिर इंडस्ट्री जो आज 50 अरब का टैक्स देती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 50 अरब का, 5 अरब के चक्कर में, 7E के चक्कर में आपने 50 को 25 कर दिए, वो 25 को चली जाएंगे। अब ये कॉमन सेंस हमें लाने की जरूरत है, इंगेज करने की जरूरत है FBR को, सबको, तब जाके हम कुछ करने की पोजीशन में होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि कार्टेलाइजेशन भी थोड़ा हम सोचें, फिर हम ट्रेडर से भी बात करें, फिर हमारी दुकानें 6 बजे से ज्यादा खुलती हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो भाई 11 बजे तक खोलें, कारोबार करें। लोग सुबह उठते नहीं है, आदतें खराब है, आवा का आवा बिगड़ा है। हमें सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी चलानी होगी, लोगों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलानी होगी, हम कुछ करें, कुछ आप करें, हम सब बैठे। लेकिन इनकम टैक्स अगर डायरेक्ट टैक्स रूरल पाकिस्तान से आ जाए, ट्राइबल पाकिस्तान से आ जाए, जो एग्जेम्पशन हैं फाटा के इलाकों, दूसरे इलाकों में के इलेक्ट्रिक जो जो वाटा या हेस्को या जो भी टैक्स जो भी है, तो वो एग्जेम्पशन अगर खत्म हो, तो ये सारी चीजें हो, तो मैं भी अपने ताजिरों से कहूँ भाई हम भी सुबह जल्दी उठेंगे, हम भी सुबह जल्दी शॉपिंग कर लेंगे, आप भी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी मजबूत पॉलिसी, सारे घोड़े एक साथ दौड़ में आएंगे। ये नहीं होगा कि ताजिरों पर टैक्स डाल दिया, बिल्डरों पर टैक्स डाल दिया, कराची वालों पर टैक्स डाल दिया, और जिनको इस्तेसना है वो अल्लाह से लिफाफे ले आएंगे,
सहीफा है जो उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये रैशनलाइजेशन में मेरा आपका मिस्टर का किरदार है, तो उस पर भी हमें थोड़ी सी। अब 150 अरब का सेल्स टैक्स और यूटिलिटी जो सिंध को देते हैं, फिर इसी तरीके से एक और भी सर्विसेज टैक्स जो वो लेते हैं, तो उसमें से कराची को एक पैसा नहीं मिलता। 30,000 अरब रुपए एक का बजट है 15 सालों का सूबाई हुकूमत का, कितना 30,000 अरब रुपए का, और 10,000 अरब रुपए की जमीनों की बंदरबांट थ्रो अवे प्राइसेस पे या अपने वोट बैंक सियासी मजबूती के लिए। तो बताइए कि अगर ये सब कुछ करके कराची में अगर अपनी ये मस्नूई जो है वो मकबूलियत को बढ़ा के अगर इसी तरह जबरदस्ती लोगों से, तो फिर मुझे बताएं मैं और आप कहाँ खड़े फ्यूचर में, मेरे आपके लिए कहा है। हमें तो कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे डायलॉग करने होंगे, इस्लामाबाद में भी अपनी नहीं है, और स्ट्रेटेजिक लेवल के डायलॉग में ये सारे कंसर्न शेयर करके सिर्फ एक मसला नहीं, गैस बिजली पानी पे ये आप सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज खत्म कर दें, और इसके अलावा जो इसके पीछे टैक्स लग रहे खत्म कर दें, इससे हो जाएगी। थरपुर तो हमने जब ये यहाँ के इलेक्ट्रिक ये हार्बिंगर का प्लांट लगाई थी 500 मेगावाट, तो मैंने इनसे कहा था कि कल थरपुर आ जाएगा, अभी तुम कुछ कोल प्लांट है वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं, चले वहां तो ये कोयला यूज हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट अभी बनाए हैं कि जो ऑयल और वो जाहिर है कि उसको कोल पे ट्रांसफर करना आसान नहीं है, तो हमने ये सारी बात भी ट्रांसफर करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मुझे लगता है कि थर के कुछ और प्लांट्स आएंगे, दो छोटे डैम्स तैयार हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी एक होप है। इसी तरीके से SIFC को भी हमें थोड़ा सा देखना होगा कि उसको भी बहुत कंट्रोल और रेगुलेट करके, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सऊदियों को UAE को सबको अपनी जमीनें दे दें और उसका भी बड़ा चंक यहाँ से डॉलर की शक्ल में बाहर चला जाए। ये बहुत सारी चीजें हमें सोचनी होगी, कहीं ना कहीं कैवियट लगाने होंगे। मैंने कहा ये पॉलिसी अच्छी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स या जो कमीशन है वो होना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए कुछ एरियाज ऑफ इकॉनमी को, लेकिन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, एंड देन वी शुड कीप एन आई ऑन इट सो दैट इट इज नॉट मिसयूज अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। तो ये भी हमें देखना है, तो हम SIFC को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा कि 40 करोड़ के प्लॉट है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो जाहिर है कि आपका आउटलॉस होते हैं, तो कंपटीशन में है नहीं, तो फिर जाहिर है कि लाहौर में इंडस्ट्री लगेगी, फैसलाबाद में लगेगी, तो हमें ये भी सोचना है कि वो जो है वो उसको, मैं इसमें आपके साथ हूँ, आप कोई ऐसा प्लान दे कि जहाँ जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ से चला गया उसको कैसे वापस लाना है, और ये जो प्लॉट इन कीमत है जिन लोगों के पास है उनसे या तो बात गुजार करें या उनसे कहें कि एक साल में कोई इंडस्ट्री, असल वो तो स्पार्क हुआ ना पैसा, हमारी ब्लैक इकोनॉमी वो पैसा तो पार्क हुआ ना, आज 40 करोड़ का हो गया तो असल में वो मालियत होगी, पैसा तो गलत जगहों पे पार्क हो गया, तो उसको निकालने के लिए तो इंसेंटिव उनको दे और उनके साथ इंडस्ट्रीज को मिला के इंडस्ट्री आप और हम बैठ के प्लान बनाते हैं और वफाकी हुकूमत से ये काम कराते हैं। फिर इसके अलावा जो छोटे सनअती जोन AMC ने बनाए थे, मैंने मुस्तफा तमाम भाई ने, आज वो भी नहीं है। फिर पानी का आप मिला तो देखें 10 करोड़ गैलन पानी K3 मुस्तफा तमाम भाई के जमाने में आया और 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी का मंसूबा रोजाना था, वो K2 मेरे जमाने में आया, K4 स्टिल हैज टू सी द लाइट ऑफ द डे, डॉन ऑफ द डे, तो K4 को सुबह का समय नहीं मिला जो हमने काम किया वही 15 साल पहले, तो K4 भी इंशाअल्लाह मैं आपके लिए मिलाता हूँ कि हम हुकूमत में होंगे सिंध में या वफाक में जहाँ भी हम हल कराएंगे और हम जो कमिटमेंट करेंगे वो इस बात से मशरूत है कि हम हुकूमत में होंगे, हुकूमत में नहीं होंगे और अपोजिशन में होंगे तो मास मोबिलाइजेशन के जरिए भी, अभी हमारे पास ट्रुप का ही पड़ता है, कराची को पैरों पर खड़ा करना है, कराची वालों को एक करके, अब हमने पख्तून दो नुमाइंदे दिए हैं, इकबाल महसूद जो सोरागपुर से और KPG गेवाड़ी से जो है वो हुमायूं उस्मान, सिंधी भी हैं बलोच भी हैं, तो ये और इंक्लूसिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी यूनिटी डाइवर्सिटी। फिर अगर मैं विजन हूँ इस उम्र में तो शारिक जो है IT कंसल्टेंट शारिक नसीम, ये मेरा जो है वो इनोवेशन है, तो
तो विजन और इनोवेशन को हमने कंबाइन किया है। ये तजुर्बा है वो भर भरा है, ये बसीरत है वो जिद्दत है। तो हमने यूनिटी अक्रॉस डाइवर्सिटी इनोवेशन जो है वो विजन और इनोवेशन को कंबाइन किया है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि हम जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वेयर एंड व्हाट द वर्ल्ड इज टुडे वी ऑल नो, बट हाउ द वर्ल्ड इज वेयर एंड व्हाट इट इज टुडे दैट वी हैव टू नो एंड टेक द पेन ऑफ टेकिंग आवर वर्ल्ड टू वेयर एंड व्हाट द वर्ल्ड इज टुडे बाय गोइंग थ्रू अ जर्नी ऑफ हाउ हाउ का जवाब देना है। ये सारे पेन लेने हैं, अपना अपना हिस्सा इसमें डालना है। फिर उसके बाद 80% आपने कहा कैपिटल, तो ये 40 करोड़ से ये 3 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के प्लॉट आने चाहिए। और अगर ये प्लॉट जो है वो 40 के हैं तो उनके साथ उनके पैरेलल ऐसे प्लॉट्स अभी कोलकाता में आखिर चलाए, वहां भी कुछ जमीन बची। हम यहाँ तो सब मिलकर जाके कब्जा कर लेते हैं, अमेरिकन और रशियन पे क्यों करते हैं, और उसको अपने हम अपने अंडर में ले लेते हैं। मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, वरना वो भी पूर्वी हुकूमत और वो भी उसको कहीं ना कहीं ठिकाने डाल देंगे। वो आपका अल्टरनेट हो सकता है साइट का मॉडल, पूर्वी यूनिवर्सिटी का मॉडल, नॉर्थ कराची का, एवरी एरिया का। तो वो जमीन बची उसको हम सबको मिलकर बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। और स्टील मिल का जो भी फ्यूचर हो उसकी जमीन को भी हमें कराची वालों के FPCCI के और KCCI के हाथों से नहीं जाने देना। हमें इसे कराची के पाकिस्तान की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बचा कर रखना है। तो ये हल है मेरे पास कि यहाँ हम 3-3 करोड़ के देते हैं, लेकिन ये गारंटी आप देंगे कि 2 साल में 1 साल में इंडस्ट्री लगेगी, चलेगी, एक्सपोर्ट शुरू होगी, प्रोडक्शन शुरू होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये गारंटी। फिर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मैं हुकूमत मिलकर दीगर जमाते वो गारंटी हम करेंगे। 65 करोड़ के साथ 6.5 करोड़ का एक मनसूबा और है, 1 साल में मुकम्मल हो सकता है। मैं पिपरी से आना है वो 6.5 करोड़ का 6.5 करोड़ खाली पर हम वहां पर कोर्ट कासिम और स्टीम में आपको दे देंगे, ताकि कम से कम आपको पानी का मसला हो जाएगा। गैस के लिए क्या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सस्ता हो सकता है, उसके लिए भी मैं और आप मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं। हमें सोचना है, हमने अपनी टीम लगाई हुई है कि हमें कैसे सोचना है कि हम ये गैस का अल्टरनेट कैसे लेंगे, कम से कम इंडस्ट्री को कैसे हम फीड कर सकते हैं। ये एक बात थी। अच्छा, अब बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर गैस पे बात की, पावर पे मैंने कहा कैसे सस्ती होगी, तो उसमें KEC को इजाजत दें 50 मेगावाट के प्लांट, लोकल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट लगाए 50 मेगावाट के प्लांट हम लगा सकते हैं। फिर अल्टरनेट एनर्जी, फिर अल्टरनेट एनर्जी में आप ड्यूटी खत्म कर देना, हर चीज को खत्म कर, सोलर एनर्जी है, विंड मिल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, आप आने दें। मॉलिशियस अगर कहीं अवेलेबल है उनको हम कह रहे हैं, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज को भी देखना है। अच्छा, ये आने वाले इंटरेस्ट रेट 22% कॉम्पेटेबल नहीं है बिजनेस के साथ, इस पर स्टेट बैंक को पॉलिसी लेवल पर बैठ के सोचना होगा कि मॉनिटरी इन्फ्लेशन को रोकने का एक ही तरीका नहीं है, मॉनिटरी इन्फ्लेशन को रोकने का तरीका बदमानी करप्शन को खत्म करना है। जो ब्लैक मनी है, जो सस्ती जमीनें दी गई हैं, जो 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 लोगों को वो जाहिर है कि फिर वो मॉनिटरी इन्फ्लेशन तो होगी खराब, और मॉनिटरी इन्फ्लेशन होगी तो फिर आपको 22 या 28% में आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये दिस इज नॉट दी गई कि आप जो है वो चोरी कर लें और चोर को ना बोल रहे उसकी सजा लोगों को दें। केएलएचपी को भी सुधरना होगा, 25% डिफॉल्टर हैं, 75% बिल्डर हैं, उन्होंने 75% को भी उसी कंपनी से हाथ में, ये भी करा दें। अच्छा, कचरा 12,000 टन है, हमारे पास प्लान है कि जो गाड़ियां हैं 200 उनको जिसमें से 50 या 60 काम करें उनको हम ऑपरेशन में लाएं, आपका एक कमेटी बना दें बिजनेस कम्युनिटी हमारी और ये इलाकों से, हम उस कमेटी को निगरानी में लगा लें और हमारे 50 बच्चे एक हॉल में बैठे जिसमें स्क्रीन हो और उन गाड़ियों में ट्रैकर लगा दें, ताकि लांडी का कचरा मली में और कोरंगी का शाहपैसल में और शाहपैसल का गुलशन इकबाल में और मली का जो है वो गुलिस्तानी जौहर में और गुलिस्तानी जौहर का नाजमाबाद में और गुलशन इकबाल का नाजमाबाद में, तो ये नॉर्थ नाजमाबाद में या FB एरिया में। तो कचरा डंपिंग स्टेशन जाम चाकरों पर है, एक डंपिंग स्टेशन नहीं, हमें 6 डंपिंग स्टेशन। सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन इस वक्त कराची में 5 है, हमें 18 चाहिए। तो ट्रैकर्स हो, स्क्रीन हो,
आप कह रहे प्लान भी बताए, आपकी ने पंगा लिया था, आपने कहा सब बताए, तो मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ। आपने कहा था कि घर में ये सब बताइएगा, तो इसलिए मैं सारी डिटेल दे रहा हूँ कि पानी को डीसैलिनेशन कितना इकोनॉमिकल हुआ है। ये जो कोजन का लगा था उसका बड़ा फेलियर सिल्ट थी, उसको लगना चाहिए था थोड़ा सा समंदर के साथ, ये कोजन वाला फेल हो गया डिफेंस। अब अगर अकल नहीं है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है भाई, कहीं हमसे मशवरा कर लें, हमें साथ कर लें, अपनी स्ट्रेटजी उसमें, अपनी पॉलिसी में, उसको पॉलिटिकल फाइनेंस हम लेंगे। हमने ऑफर की है कि हम ये सारी चीजें आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं आपकी पॉलिसी को। इसी तरीके से 40% डिस्पोज होता है, तो कितनी गाड़ियां चाहिए, कहाँ से जाएंगी, कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, सब चीजें हमारे पास अल्लाह का शुक्र प्लान है। जुबैर भाई आपने भी बहुत काम की बातें की, और उसमें नो गैस आपने पहले का 54 रुपए पर यूनिट पे तो 12 यूनिट आएगा। आखिरी बात ये IPPs के भी मसले को एड्रेस करेंगे, लेकिन वो भी चूंकि बिजनेस कम्युनिटी है, प्राइवेट सेक्टर की है, तो आप और हम मिलकर उनसे बात करते हैं। कैपिटल पावर प्लांट का भी कोई इश्यू है मेरे ख्याल में किसी ने कहा था, तो वो भी हमें सोचना होगा, वो भी देखना होगा। फिर उसके बाद हम तो ये जो IPPs है, 60 कंपनियां है कुछ यहाँ की कुछ बाहर की, तो हमारा ये है। और देखिए हमने हेल्थ में इमरजेंसी के लिए कहा 10 साल के लिए, एजुकेशन में इमरजेंसी के लिए कहा 10 साल के लिए, फिर हमने 50 से 100 नए शहर बनाने को कहा सैटेलाइट टाउन, कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर रोकने के लिए सेल्फ कंटेन्ड टाउन्स या सिटीज बनने चाहिए। फिर हम ऐसे $30 अरब की फॉरेन रेमिटेंस को $100 अरब पे ले जा सकते हैं। मुस्तफा कमाल भाई ने पंजाब की यूनिवर्सिटी के 5 वाइस चांसलर जो इकोनॉमी के थे उनको मिला के एक रिसर्च कराई, तो उन्होंने कहा कि ये शोबे हैं, ये यूरोप की रिक्वायरमेंट है, ये अमेरिका की रिक्वायरमेंट है, ये साउथ कोरिया की, ये सऊदी अरेबिया की, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर 2 सालों में ये वर्क फोर्स प्रोड्यूस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, तो हम $100 अरब तक, चलिए 100 तक न ले जाए, 50 तक तो ले जाए, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। वियतनाम, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड आज कहाँ पर है, 30 साल पहले हम सब साथ थे, चाइना आज कहाँ है। मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट का भी एक मैजिक और जादू है कि जहाँ इकोनॉमी को डीरेगुलेट करने और डिवॉल्व करने की बात है, वहाँ पॉलिटिक्स को, डिसीजन मेकिंग को, जो बुनियादी अफेयर्स है, बुनियादी शहरी उमूर का काम है, उन्हें भी हमने एक बिल दिया इस मरतबा, और उस पर PMLN, PMLF और AIP और JUI को राजी कर दिया। विजार में हमारा इंटरेस्ट नहीं, इतदार हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट इख्तियार और वसाइल है। वो कैसे आएंगे, अगर NFC पैसा देती है वफाक को और वजीर आजम को, और वही NFC अगर पैसा देती है सूबों को और गुजराए आला को, तो फिर वही NFC पाकिस्तान के 130 मेयर को डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं दे सकते। वो क्यों अपने अपने सूबों और वजीर आला के मोहताज रहें। अगर मैं समझता हूँ कि अगर डायरेक्ट मिल जाए तो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कम से कम एक फ्रिक्शन जो पॉलिटिक्स का खत्म हो जाएगा कि मेयर और वजीर आला लड़े, वजीर आला अपना काम करे, मेयर अपना काम करे, आर्टिकल 140 को रीडिफाइन करें और उसमें वो उमूर डाल दें जो कचरा, गटर, पानी, लाइफ मास्टर प्लान, हाउसिंग काम प्लानिंग, बिल्डिंग कंट्रोल, स्कूल्स, ये सारी चीजें मेयर को दे दें, सिर्फ कराची की नहीं, डाना जैकबाबाद कश्मीर की मेयर को दे, ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। Because cities and districts have to become the engine of growth, and they will only become if I will provide you road. आज साई की सड़कें, कोरंगी की सड़कें, क्या हाल है। एक जमाना था जब हमने वो सड़कें बनाई थी, जो मुशर्रफ साहब का जमाना था, शायद वैसा जमाना आ रहा है, वो दौर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे बाकी सबका वक्त आया है, कराची वालों का और FPCCI वालों का, MQM का दौर आ रहा है। बहुत बहुत ये हमारे शहरी वजीर में शेयर है, हमारे वेरी बड़े डॉक्टर मोहम्मद फारूक सुल्तान, सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान। अभी मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब को, कन्वीनर मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान।
بسم الله الرحمن الرحیم مؤذن علی نیتن ٹریڈیشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران ثاقب فیاض صاحب بہت بہت شکریہ بڑی ہدایت کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے عزت افزائی ہوئی ہمارے یہاں کے فاروق بھائی کی بڑی مفصل اور لیکن اور مکمل تقریر ہو چکی میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ کم بچا ہے اور جی پلیز تو میں وہ بوجھ آپ کو اٹھانا تھا اور فاروق بھائی نے معاشی بحران کی بات کی ہے مجھے پریشانی نیت کے بحران کی مجھے لگتا ہے پاکستان میں معاشی بحران سے بڑا نیت کا بحران ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے فرنش بینکرپسی کی مجھے زیادہ پریشانی مورل بینکرپسی کی جو ہو چکی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کو اگنور کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جیسا ہمیں کیمرے بھی ہیں اور وہ لوگ بھی جیسے کھل کر دل کھول کے بات کرنی چاہیے لیکن میں اتنے ہی سچ بولوں گا جتنی کہ ہماری جمہوریت آزاد ہے جتنا میڈیا آزاد ہے خود جتنا کراچی آزاد ہے پوائنٹ لکھا تھا فاروق بھائی کا ایک تو بات یہ ہے کہ ٹیکس کی بڑی بڑی بات ہو رہی ہے بنیاد چینج کریں دنیا بھر میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیسے کما رہا ہے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کون کتنا کما رہا ہے یہاں تو بڑی پابندی ہے کہ جو سونا ڈھال رہا ہے وہ اتنا ٹیکس دے گا چاہے 1 کروڑ کماتا ہو اور جو سبزی اگا رہا ہے وہ 1 ارب بھی کماتا ہوگا تو وہ ٹیکس نہیں دیتا آپ نیت کے بحران کو اگر دور نہیں کریں گے تو معاملہ کیسے بنے میں نہ کوئی بزنس مین نہیں ہوں میں تو طب کے شعبے کا ہوں ڈاکٹر ہوں فاروق بھائی نہیں ہے لیکن کیونکہ بنیادی طور پہ نعمت ہے تو ان کو بزنس ان کے خون میں شامل ہے وہ ان سے بہتر بات کر سکتے ہیں اس میں اچھا کچھ پھر مشترکہ سچ بولے بغیر اور انصاف کے بغیر پاکستان کو طاقت جوڑ کے نہیں رکھ سکتے طاقت کے پاس قوت نہیں بچی ہے پاکستان کو صرف انصاف جوڑ کے رکھ سکتا تو کوئی انصاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عدالتیں بولے جج بولے کچھ سچ ہم بھی تو بولے ثاقب فیاض یہاں پہ ثاقب نثار بن رہے ہیں تو کوئی وجہ میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں نے یہ جو ایف بی آر کا رپورٹ دیکھی میں فیڈرل منسٹر تھا اور سپر ریلی صاحب ایف بی آر کے چیئرمین تھے اور میرا حلقہ تھا کراچی کی ایک بہت ہی لوئسٹ مڈل کلاس کی ایک بستی جاتا تھا وہاں نام آباد دل اور دماغ تو ہے وہ کراچی کے لیکن جتنا ہمارا خوشحال چمکدار اور سیاست کا مرکز لاہور کے دور میں آ جائے تو صرف لبرٹی مارکیٹ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خوشحالی سچ اور بولے پورا لاہور مل کر اگر اس کے دکاندار تو کراچی کی بات ہوتی کراچی 50% 60% ٹیکس دیتا ہے مہمان میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کی کیونکہ وہاں پر ہیڈ آفیسز ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کرتا پورا پاکستان اپنا سامان منگواتا ہے کراچی میں بھائی کراچی پورٹ بھی دیتا ہے میں تو دیتا ہوں سمجھتا ہوں زیادہ سامان تو گرائی پورٹ میں جاتا ہے شاید کراچی کا تاجر بھی اب سیالکوٹ سے منگواتا ہے سامان جو آلموسٹ ڈرائی پورٹ کے ساتھ ساتھ فری پورٹ بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ لیاقت وہاں جو ہے پورا لاہور کے دکاندار مل کر جتنے جی ایس ٹی دیتے ہیں اتنا لیاقت آباد کی غنی بستی دیتے ہیں کوئی میرے چاہتا کروں اس کا علاج بھی ضرور جناب کراچی جو ہے اس وقت پاکستان کی 75 سال کا کراچی کے بعد
कराची पाकिस्तान की मईशत माशरत उसके इस्तेमाल तरक्की के लिए किश्तियां नू है। इस कश्ती की तामीर के लिए पूरे पाकिस्तान को साथ देना चाहिए। इस कश्ती में सुलाह करने वाले तो कोई हम नहीं बैठे। देखिए कुछ इलाके कुछ मुल्कों की मुकद्दर होते हैं। कराची का मसला है 75 साल में साबित हो गया है। जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के दाखिल नहीं होगी इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच। आपने जब जब खुशहाली और तरक्की को कराची से बाईपास किया है तो कराची से बाईपास नहीं हुई और पाकिस्तान को बाईपास कर गई। वो बांग्लादेश पहुंच गई है, वो मलेशिया पहुंच गई है, वो कीनिया और युगांडा पहुंच गई है। मैंने आज से 10 साल पहले बड़े मौदेबाना अंदाज में ये दरख्वास्त की थी, अपने खतरे का इजहार किया था कि मुझे डर है कि कहीं इदी अमीन का युगांडा और कीनिया हमसे आगे ना निकल जाए तो काश्मीर वासी बड़े नाराज हो जाए। बचिए तो बार बार गद्दारी के मुकदमे से। आज आपका मुकाबला नहीं है ना युगांडा से रह गया है ना कीनिया से रह गया। चाइना पहुंच गया है। गुर्बत फाकों के दो मशहूर कहत से के लिए मशहूर दो मुल्कों इथोपिया में रिटेल कर दिया। 4-5 साल इंतजार कीजिए, वो रेंटे भी रहेंगे तो हमसे आगे निकल जाएंगे। हम तो दौड़ रहे हैं और बेतहाशा दौड़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम भी करने कि जिसकी बुनियाद पर इस हुजूम को हम फॉर्म बना सकें, रास्ता दिखाइए ताकि भगदड़ लश्कर में तब्दील हो, कोई मंजिल तो तय करें। हमारे वाले वक्तों में हम एक दूसरे से मुकाबला करके पीछे रह गए। देखिए दुनिया में कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करता, दुनिया में हमेशा खत्ता तरक्की करता है। मेरे और आपके पड़ोस में आबादी की दो जाइंट्स थे, वो आप टेक्नोलॉजी के जाइंट्स हैं। 1998 में इंडिया की गुर्बत 50%, चाइना की गुर्बत 40% थी। आज चाइना की गुर्बत 1% से 2% के दरमियान है, इंडिया की गुर्बत 15 से 20%। यानी कि उन्होंने अपनी आबादी को लायबिलिटी भी बनाया, एसेट बनाया। हम आपको नहीं बता सकते कि हमें हमारे पास माशी क्या हल है। आप हमें तैयार कर दीजिए, आप क्या चाहते हैं। फेडरेशन हमें बताए कि वो आने वाले वक्तों में आने वाली हुकूमत से किस किस्म के माशी ताउन की और इस बुहान को दूर करने के लिए एनपीएम से मदद मांगती है। हम आपकी तजावीज सुनेंगे। हमारा हमने तो एक देख दिया है, सियासी हल दिया है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। डायरेक्ट टैक्स लगना चाहिए, आप सबको बस मदद करनी चाहिए। यहां में गरीबों पे इनडायरेक्ट टैक्स का जो बोझ डाला है, सब्सिडी देनी है मना करें, सब्सिडी कोई ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी भी होनी चाहिए। और इस वक्त ये बहुत अहम तरीन मोड़ है, गुर्बत और महंगाई ने पाकिस्तान की आवाम को जहां पहुंचा दिया है, इसलिए इसका कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। आप हमें हल दें। किसी ने मुझे तजवीज दी थी, मुझे नहीं पता कि क्या कितनी सही है। देखिए पाकिस्तान एक गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है। इस गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम की जरूरत है। क्या ये मुमकिन है कि हम दो इकोनॉमिकल जोन बना दें, नॉर्थ में साउथ में? नॉर्थ में वो वाला इकोनॉमिकल जोन जो पाकिस्तान में जिन चीजों की जरूरत है उसकी इंडस्ट्री है, और साउथ में पोर्ट्स के पास वो वाले इकोनॉमिकल जोन हो जहां पर वो चीजें पैदा की जाए, वो चीजें बनाई जाए, प्रोड्यूस की जाए जिसको तो हमें एक्सपोर्ट करना है। हमें किसी ने दिया था तो हमें ये आपसे ये राय करना है, हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अभी वक्त है, हो सकता है और बड़ा गालिब गुमान है कि इस दफा भी वजीर आजम लाइन लगा के हमारे घर पे आएंगे। हम तो नहीं बन सकते, हम तो वजीर आला भी नहीं बन सकते। पंजाब में तो सेंट्रल पंजाब का भी पंजाबी वजीर आला बन सकता है और सराई की वजीर आला भी बन सकता है, केपीके में पख्तून बोलने वाला भी बन सकता है और हजारा बांध भी बन सकता है। कराची में पाकिस्तान एक सिर के अंदर
चार दफा ऐसा वक्त आया है कि मखलूक हुकूमत में एमक्यू की नुमाइंदगी 70% थी। आपने सवाल किया बेशरम एमक्यू वालों से कि तुम अपना वजीर आला क्यों नहीं लाए। जनाब हमने सिंध को जोड़े रखने के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत की खातिर अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे दी। अब कुर्बान करने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है हमारे पास, तो आपकी तवक्कुआत हमसे होंगी और जायज तौर पर होनी चाहिए। मैं आपसे ये सवाल करने आया हूं, क्या आपसे भी हमारी तवक्कुआत होनी चाहिए? हम 35 साल से अनइंटरप्ट इस शहर का मैंडेट रखते हैं, धौंस से धांधली से रखते हैं, बंदूक के जरिए रखते हैं। 2018 में जो कुछ हुआ है, जो लोग 2018 के इंतखाबात में जीते थे सुबह सब हैरान थे कि हम जीत गए, और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। और मैं बड़ा खुश था कि ये शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, ये बल्ला आ रहा है, बल्ला आ रहा है, बल्ला आ रहा है। एक ऑप्शन को आना था वक्त से पहले आके एग्जॉस्ट हो गया। जनाब अली हम तो नहीं थे ना, हम पिछली दफा हम तो कराची की नुमाइंदे नहीं थे ना, कराची में शिकस्त हो गई थी, चाहे हमारा वोट इधर से उधर कर दिया गया। नुमाइंदे जो कौमी असेंबली में थे वो 14 हमारे नहीं थे, पीटीआई के थे, जिनको पता आप में से पता नहीं कितने लोगों ने वोट दिया होगा, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि बेहतरी आएगी। क्या वो 14 लोग कराची के किसी एक मुतालबे में आपके पानी से लेकर बिजली से लेकर, यहाँ की यहाँ का सबसे बड़ा बहरान बारिश पानी और बिजली नहीं है, बेरोजगारी है। वो शहर जो पूरी पाकिस्तान को रोजगार बांटता फिरता है, उसके अपने लोग, आज सबसे बड़ा अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आ जाए तो रूरल एरियाज के लोग सर्वाइव कर जाएंगे, स्लम एरियाज के लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। मैंने तो कराची में कभी आवाज नहीं सुनी ताजी गांधी कि कराची में इर्द गिर्द बसने वाले स्लम एरिया में पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग बसते हैं। अरबों डॉलर की जिम्मेदार आ रही है सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज की आ रही है, तो आते जाता है। तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए, कराची के नोवा में मैं आपके साथ ही रहूंगा, और ऐसा तो नहीं कि मैं कराची के हालात को खराब कर होता हुआ देख रहा हूं, मैं उससे उसका उस दुख और दर्द का हिस्सा रहा हूं, और सारे जमाने में मिडिल क्लास के लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी उससे नफरत आजमा के हूं। और हम लोग की जिन्होंने एमक्यू बनाई थी 80% प्रोफेशनल लोग थे। हम सियासत हमारी सियासत हमारा पेशा नहीं है, सियासत हमारा पैशन, जिसकी वजह से हमने अपने 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 पेशों को कुर्बान किया। तो कराची आप अपने सीनों पर हाथ रख के बताइए, कराची क्या 2008 से पहले ऐसा था या नहीं? क्या कराची ने मुशर्रफ साहब के दौर के बल्दियाती निजाम की कामयाबी के लिए लाहौर के मेयर को भी कहीं की मिसाल देनी पड़ती थी तो कराची की मिसाल है? लाहौर हाईवे के लोग कह रहे थे कि जाके कराची में, तो क्या फर्क हुआ ऐसा कराची? मैं आपको अपने जराय भी गिराऊंगा। हमने हमारा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हमने बल्दियाती इंतखाबात में हमारे पास मुतवक्किल लोग भी जीते थे, लेकिन हमने 28 साल के फारूक सत्तार को एमक्यूएम ने कराची का मेयर बनाया। पूछते हैं कि एमक्यूएम ने अब तक क्या किया है कराची के साथ, क्या किया कराची में? कराची में जितनी भी तरक्की है और जैसी भी तरक्की है उन्हीं अदवार की हुई है जब एमक्यूएम के पास मैंडेट के साथ अख्तियार गिरा। फारूक भाई ने ये जनवरी 1988 में हलफ उठाया था मेयर का, और अगस्त तक वो वर्ल्ड बैंक से पूरे साउथ एशिया का पहला मास ट्रांजिट मंजूर करा था। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से पूछना चाहिए
कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का जो इंडियन ने पहला मास्टर प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से मंजूर करवाया था वो नजर क्यों नहीं आता। इसलिए कराची की बदनसीबी कि जहाज सन C-130 का हादसा हो गया, उसके बल्ले के अंदर से जमुई बरामद हुई, बीबी आ गई और उन्होंने वो शहर जो 70% रेवेन्यू देता है उसको उसके इस प्रोजेक्ट के लिए सॉवरेन गारंटी दी। पता नहीं कराची अदा कर पाएगा नहीं पता है। ऑरेंज ट्रेन के लिए मीडिया भी अच्छी बात करती है, लेकिन जो मेट्रो बस है, जब पाकिस्तान ने नाम नहीं सुना था तो 2007-08 में जब सैयद मुस्तफा कमाल यहां के नाजिम थे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से कराची के 6 रूट्स पे जो बन रही है, ये ख्वाब इरादा इख्तियार हमारा था। उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक से मंजूर कराई गई थी। क्यों नहीं बनी, सवाल आपका करना है, हम ही करते रहे ये सवाल। क्या कराची की तरक्की का अहम तरीन मोड़ ना हो सकता था ये? इसलिए कि कायम अली शाह साहब ने आके सबसे पहले उसको शक किया। बात यह है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा हरीफ, सबसे बड़ा मुकाबला किससे है, तो मैं कहता हूं एमपीएम के परसेप्शन से। परसेप्शन रियलिटी की आकाश में होती, प्रोपेगेंडे का आकाश होता है, प्रोपेगेंडे के जरिए परसेप्शन बनता है। तो जो परसेप्शन को कबूल करते हैं वो पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे कौन और पढ़ा लिखा शहर नहीं करा सकता। जरा पलट के देखिएगा, आप और हम सब लोग मिलकर जिन हालात को एमपीएम की पैदावार, ये आम तरीन बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, जिन हालात को एमपीएम की पैदावार समझते हैं, एमपीएम उन हालात की पैदावार है। बुशरा जैदी का जब वाकया हुआ है तो एमपीएम नहीं थी यहां पर, जब कस्बा अलीगढ़ पर मोर्चाबंदी की जा रही थी, लश्कर की जा रही थी, फारूक सत्तार बादशाह शायद नहीं थे, अब्दुल सत्तार अफगानी थे। तो बहरहाल ये मैं आपसे दरखास्त करके जा रहा हूं, हमें जाकर पूरे पाकिस्तान के लिए भी और शहर के लिए भी चैंबर जो हमने अपने तजावीज देखे देगा, हम बैठेंगे और अपने मुआहदों का हिस्सा बनाएंगे उसको इंशाल्लाह। आबादी के एंटीम क्या करने जा रही है, हम समझते हैं पाकिस्तान का मसला सियासी हल में है, सबसे पहले उससे माशी हल भी सही जाएगा। पाकिस्तान में वसाई की कमी थोड़ी है, तकसीम और तफरीक का मामला है। जब तक पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतों को, तमाम जबानों को, तमाम नस्लों को, तमाम मजाहब को, तमाम फिरकों और मसलकों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान आगे चल नहीं पाएगा। हमने 3 बुनियादी नुक्ते रखे हैं। पाकिस्तान की जो भी सियासी जमात इससे हमें इससे मुतफिक होगी, हम उसकी मदद करेंगे, उससे ताउन की राहें अपनी हमवार करेंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि 50 साल हो गए, पिछले साल 50 साल हो गए पाकिस्तान की आईन को, उसका जश्न मनाया है लोहा की बजाय 50 साल का। इन 50 सालों में हमारा आईन ना हमारी हिफाजत कर सका, ना खुद अपनी हिफाजत कर सका। जो कमजोर माशरे होते हैं वहां, जो मजबूत माशरे होते हैं वो कमजोर तबकात के लिए कानून साजी करते हैं, और जो कमजोर माशरे होते हैं वो मजबूत हुक्मरान काबिजों और गासिबों की प्रोटेक्शन की कानून साजी करते हैं। हमारे आईन ने 50 साल तक जागीरदारों को, जागीरदाराना निजाम को, खानदानी सियासत को और मौरूसी हुकूमतों को प्रोटेक्शन दी है। हम इस आईन में 18वीं तरमीम की गई थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए, 18वीं तरमीम ने एक्यूमुलेशन ऑफ पावर कर दी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आईन में 3 तरामीम हो, महज 3 तरामीम। पहली बात, जिस तरह वफाकी और सूबाई हुकूमत को आईन में तहफुज है, इसी तरह दही हुकूमत, जिला हुकूमत और शहरी हुकूमत को भी आईन में दर्ज किया जाए। आईन आईन बराए रास हमें वजीर आजम से खैरात और वजीर आला से एहतजाज न करना पड़े,
अपने हुकूम के लिए आइन में दर्ज हो, तीनों आपके पड़ोसी मुल्कों में है, तीनों फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, कौमी सूबाई और बलदियाती हुकूमतों को आइन तहफ्फुज दे, और इसके साथ साथ जिस तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इख्तियारात और महकमे आइन में दर्ज हैं, इसी तरह जिले हुकूमत का, दिल्ली हुकूमत का, शहरी हुकूमत का, बलदियाती हुकूमत के इख्तियारात और महकमे आइन में दर्ज हो। तीसरी बात यह है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ मशरूत कर दिया जाए, एक ही छत में, एक ही फार्मूले के तहत बराह रास्त आइन जिम्मेदारी ले कि इतने पैसे वफाक के पास होंगे, वफाक नहीं देगा सूबे को, आइन देगा, इतने पैसे वफाक रखेगा, इतने पैसे सूबा रखेगा, इतने पैसे जिले रखेंगे। उसी फार्मूला, जो तीन फार्मूले हैं, आबादी, रेवेन्यू, गुर्बत। और जनाब अली, पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए दुनिया में कभी भी, जैसे मैंने पहले कहा था, मुल्क तरक्की नहीं करते, खत्ता तरक्की करता है। ये वो बात बता रहे हैं जो हम कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान को डिजिट दुनिया 25 से 30 साल बाद इतना शार्प, इतना खतरनाक मोड़ काटने वाली है कि डर यह है कि 1 अरब लोग इररेलेवेंट ना हो जाए। अगर आईने में शक्ल देखेंगे तो आपको मेरी और आपकी शक्ल नजर आएगी, जो इररेलेवेंट कौमें कौन सी हो सकती है। तो उसका हल यही है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान की हो, और वो पाकिस्तानी डायस्पोरा भी मदद कर सकता है, करना उसको नहीं है। हम, मैंने जब आईटी का मिनिस्टर था, मैंने फौरी तौर पर दुनिया में जो आईटी का नंबर वन मुल्क है फिनलैंड से 10 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिए, जो आज की दुनिया में जिसकी जरूरत है। पाकिस्तान में 25,000 आईटी की ग्रेजुएट निकल रहे हैं, 5,000 को नौकरी मिल रही है। क्यों मिल रही है 25,000 में? करोड़ों नौकरियों की कमी है दुनिया में। जापान और जर्मनी की आबादी रुक गई है, तरक्की तेज हो रही है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया महंगा हो गया है, चाइना महंगा हो गया है। हमने दीप हुकूमत को पूरा मुआहदा करके दिया था, हर दिन ही मंजूरी के लिए पहले वजीर आजम इमरान खान के पास पड़ा रहा, फिर उनको गायब कर दिया उनके चहीते आजम खान ने। पाकिस्तान को बचाने का वाहिद नुस्खा यह है इस वक्त कि आप 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम करके अपना ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट कर दें, मुहज़्ज़ब दुनियाओं में, तरक्कियाता माशरों में, असल जमहूरियतों में, वहां से वो सलाहियत, ट्रेनिंग, तजर्बा, तहजीब और असल जमहूरियत की रूह को लेके जब पाकिस्तान पलटेंगे, जैसे कि इंडिया और चाइना में हुआ है, तो पाकिस्तान 2-3 साल में संभलना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट करनी है तो अपने नौजवान, और पाकिस्तान की आबादी का 60% नौजवान है, उनको अपनी ताकत बनाइए, उनको ट्रेन कीजिए और आगे बढ़िए। मैं भी शायद दम्बा बोल गया हूँ और इतिहास से बोल रहा था, बहुत ज्यादा सच में बोल जाऊं, मैंने बीच में बोला था हम लड़ना नहीं चाहते, मुझे उसमें भी आया कि इतराम आया कि क्यों बोल रहे हैं वाले बाबा कि हम लड़ना नहीं चाहते, अब मैंने छोड़ दिया बोलना कि हम लड़ना जानते हैं लेकिन लड़ नहीं।